मैं योगेश चंद्र शर्मा से आचार्य भूगोल माणिक्य लाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। बीए पार्ट सेकंड इकोनॉमिक एंड रिसोर्स ज्योग्राफी, इसमें प्रमुख खाद्यान्न फसलों के संदर्भ में हम भौगोलिक विश्लेषण पर बात कर रहे हैं। और इससे पूर्व मैंने गेहूं का भौगोलिक विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत किया। आज मेरा जो व्याख्यान है ये चावल के ऊपर है, और चावल जो मेजर फूड ग्रेन है चावल, उसके ऊपर आज का व्याख्यान है। ये चावल की कृषि के संदर्भ में पहला व्याख्यान है। विद्यार्थियों, ये आपको जो दो इसमें फ़ोटो दिखाई दे रहे हैं, इन फ़ोटोज़ को आप ध्यान से देखिए। पहले फ़ोटो में खेत में पानी भरा हुआ है और उसमें एक महिला चावल के पौधों का, यानी नर्सरी में तैयार किए हुए पौधों को खेत के अंदर रोप रही है। तो इस प्रकार से प्लांटेशन के द्वारा इस चावल की कृषि का एक महत्वपूर्ण भाग आप इसमें देख रहे हैं। दूसरे जो दूसरा चित्र है, इसमें प्लांटेशन किस प्रकार से किया गया है उसे दिखाया गया है। चावल के भौगोलिक विश्लेषण से पूर्व हम उसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी प्राप्त कर लें। चावल उष्णकटिबंधीय लोगों का प्रमुख आहार है। यह विश्व की लगभग आधी जनसंख्या का पोषण करता है। दक्षिण एशिया के अधिक जनसंख्या वाले देशों में ही चावल प्रमुख खाद्यान्न है। यह गेहूं की अपेक्षा प्रति हेक्टेयर अधिक कैलोरी प्रदान करता है। यह इसकी एक सामान्य विशेषता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया, जिसमें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, इसके अलावा म्यांमार, दक्षिण पूर्व की जो देश हैं उसके अंदर मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के समस्त द्वीप, फिलीपींस, वियतनाम, लाओस, कंपोचिया, ताइवान, चीन, जापान और कोरिया, ये सारे देश चावल का उत्पादन भी करते हैं और इनका प्रमुख खाद्यान्न चावल ही है। चावल के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं, इस संदर्भ में चावल की उत्पत्ति का इतिहास कितना पुराना है, इसके बारे में कोई निश्चित विचार नहीं है। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका के दलदली भागों में इसकी जंगली प्रजातियां पाई गई है। एक प्रजाति ओरिजा सैटिवा चावल की उत्पत्ति का सबूत है, जो अफ्रीका में प्राकृतिक रूप से उगता है। चावल की कई किस्में उत्पन्न की जाती है, फिर भी इन सभी को अंकुरित होने, फल के परिपक्व होने के लिए उच्च तापमानों की आवश्यकता पड़ती है। चावल उष्ण और आर्द्र जलवायु का ऐसा पौधा है जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से उगाया जाता है। इससे पूर्व जो मैंने अपना परिचय दिया था उसमें दो चित्र आपको बताए थे। तो चावल की कृषि के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है, सामान्यतः 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, और विशेष रूप से जब बुआई इसकी करते हैं तो उस समय खेतों में पानी भरा हुआ होता है। चावल के लिए आवश्यक जलवायु की दशाएं, चावल को बोते समय 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। प्रारंभिक काल में चावल के पौधे का जल में डूबे रहना आवश्यक है। चावल अनेक प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है, किंतु अधिक लवणयुक्त, मृतिका युक्त, कोमल, दोमट व कछारी मिट्टियाँ इसके लिए सर्वोत्तम है। चिकनी मिट्टियों में जल भूमिगत नहीं हो पाता, जो इसके लिए उपयुक्त है। चूँकि जैसा इसके पूर्व में बताया गया है कि चावल की कृषि करने से पहले चावल की पौध तैयार की जाती है और उस पौध को बाद में पानी से भरे हुए खेतों में रोपा जाता है, जो मानव श्रम के द्वारा किया जाता है। और इस प्रकार से चावल के लिए ऐसी मिट्टियों की आवश्यकता है जिसमें पानी उसमें भरा रहे और वह नीचे न जाए, और इसलिए इसके अंदर महीन चीका युक्त दोमट मिट्टी बहुत अच्छी मानी गई है। कछारी मिट्टी अभी इसके लिए अच्छी है, और नदियों की बाढ़ के मैदानों में जो मिट्टी की सिल्ट रहती है वो भी इसके लिए उपयुक्त है।
चावल की फसल भूमि से अधिक पोषक तत्वों को खींचती है, अतः इसे भारी मात्रा में उर्वरकों की आवश्यकता होती है। नदी घाटियों व डेल्टाओं की समस्त भूमि में चावल अधिक उगाया जाता है। जिन क्षेत्रों का मैंने अभी जिक्र किया था, दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया के जो विभिन्न देश हैं, उनकी नदी घाटियों और उनके डेल्टाई क्षेत्रों में चावल बहुत सामान्यतया प्राकृतिक रूप से उगाया जाता है। यद्यपि पर्वतीय ढालों पर भी इसकी सीढ़ी नुमा खेती की प्रचलित है, यानी पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ियाँ बनाकर और उसमें पानी रोककर, मेड़ बनाकर पानी रोका जाता है और उसमें चावल की कृषि की जाती है। यह भी पहाड़ी इलाकों और हिली एरियाज के अंदर चावल का इस प्रकार से उत्पादन लिया जाता है। चावल की खेती के लिए सस्ता व प्रचुर मात्रा में मानव श्रम आवश्यक है, क्योंकि प्रायः सभी कार्य लगभग हाथों से ही किया जाता है। भूमि की जुताई, पौधों की रोपाई, फसल काटना, भूसा निकालना आदि सभी काम हाथों से किए जाते हैं। इसलिए चावल की खेती सघन आबादी वाले मानसूनी देशों में बहुत अधिक प्रचलित है और बहुत अधिक लोकप्रिय है। चावल की किस्में, चावल की दो प्रमुख किस्में हैं, एक जैपोनिका तथा दूसरी इंडिका। जैपोनिका चावल उच्च अक्षांशों की फसल है जिसमें उर्वरकों का अधिक प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि उच्च अक्षांशों से अभिप्राय जहाँ पर सर्दियाँ ज़्यादा पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ ग्रीष्म ऋतु के अंदर चावल को बोया जाता है। और इसमें चीन का उत्तरी भाग, उत्तरी दक्षिणी कोरिया, जापान, ये वाले भाग आते हैं जिसमें चावल का, जापान, ताइवान, कोरिया इस किस्म का चावल उत्पन्न करते हैं। जैपोनिका किस्म अधिक उपज प्रदान भी करती है, यानी उसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। दूसरा जो प्रकार है इंडिका चावल, यह चावल निम्न अक्षांश की फसल है जो एक उष्णकटिबंधीय फसल है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, जिसमें भारत और चीन दो बड़े राष्ट्र हैं, इन राष्ट्रों में मानसूनी जलवायु भी पाई जाती है। इस कारण से जहाँ पर 100 से अधिक सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ पर प्रायः चावल को उगाया जाता है, और ये इंडिका राइस ही वहाँ पर होता है। एक बात जो और इसके साथ है कि दक्षिण दक्षिण पूर्वी एशिया के जितने भी देश हैं जहाँ पर चावल की फसल ली जाती है, इंडिका राइस एक महत्वपूर्ण फसल है और इसे ही अधिकांशतः काम में कृषि कार्यों के लिए उगाया जाता है। कभी कभी चावल का वर्गीकरण पहाड़ी चावल और मैदानी चावल के रूप में भी किया जाता है। पहाड़ी चावल विरल आबादी वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों पर जनसंख्या सामान्यतः कम निवास करती है और पर्वतीय ढालों पर सीढ़ी नुमा खेत बनाकर चावल की कृषि की जाती है। तो मलेशिया, इंडोनेशिया के जो द्वीप है, सुमात्रा, बोर्नियो, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और विश्व की उष्णकटिबंधीय दोनों अमेरिका में इस प्रकार के चावल उगाए जाते हैं, यानी पर्वतीय क्षेत्रों में इनका उत्पादन लिया जाता है। मैदानी चावल में पौध तैयार करके जलमग्न क्षेत्रों में उसे रोपा जाता है, कर उगाया जाता है। यह चावल सघन कृषि पद्धति द्वारा सघन आबाद प्रदेशों में उगाया जाता है। उष्ण और मानसूनी जलवायु के क्षेत्रों में प्राचीन जीवन निर्वाह कृषि के रूप में चावल की सघन खेती होती है। इसको स्पष्ट कर दूं मैं कि दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी एशिया में मानव जनसंख्या का जो घनत्व है बहुत अधिक है, और विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ पर चावल का उत्पादन होता है। तो समुद्र के तटवर्ती भाग, नदियों की घाटियाँ और नदियों के जो डेल्टाई क्षेत्र, उसमें चावल उगाया जाता है। तो यह एक प्राचीन और जीवन निर्वाह कृषि का स्वरूप है जिसमें चावल का उत्पादन तो अधिक होता है, सघन कृषि है, लेकिन मानव श्रम की बहुत अधिक इसमें आवश्यकता पड़ती है और जो उत्पादन होता है वह स्थानीय रूप से उसका उपभोग हो जाता है। यानी चावल के निर्यात में या चावल के व्यापार में इसका बहुत अधिक योगदान नहीं है। कुछ फोटोग्राफ्स मैंने यहाँ पर आपके लिए निकाले हैं। पहले फोटोग्राफ में एक व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर चावल की पौध तैयार की गई, यानी ये चावल की नर्सरी है जहाँ पर चावल का बीजार किया गया और एक निश्चित ऊंचाई तक चावल का पौधा बन जाता है। तो इसको यहाँ से उखाड़ कर और खेत में इस प्रकार से पुरुषों और महिलाओं के द्वारा बोया जाता है। आप इसमें देख सकते हैं कि पानी खेतों में भरा हुआ है और उसमें जगह जगह चावल के
जो जो पौध है उसके गट्ठर रखे हुए हैं और वे उन्हें उठा उठाकर और क्रमशः दूरी दूरी पर उसको पानी में रोप रहे हैं। तो इस प्रकार से चावल की कृषि की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो हम इन चित्रों में देख रहे हैं। ये जो स्वरूप है सीढ़ी नुमा चावल के खेत, इसे आप देखें सीढ़ी नुमा चावल के खेत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीढ़ियाँ बनी हुई है और उन सीढ़ियों पर चावल का पौध तैयार है। तो इसमें सीढ़ी के किनारे किनारे पर मेड़ बनाकर और पानी रोक दिया जाता है, वर्षा का जल इसमें भर जाता है और यहाँ पर उसके बाद खेतों को चावल उगाकर तैयार किया जाता है। ये सीढ़ी नुमा चावल के खेत का एक दूसरा स्वरूप है। इसमें आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ हैं, तो जिस प्रकार का ढाल है उसी प्रकार सीढ़ियों की ऊंचाई भी इसके अंदर निर्धारित की जाती है। यहाँ पर ये इसका स्वरूप देखिए, चावल जब पक जाता है तो हाथों से इसकी कटाई की जा रही है और उसे गट्ठर बनाकर खेतों में रखा जा रहा है। तो ये चावल का जो पौधा है वो किस प्रकार से दिखाई देता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कृषक लोग हैं ये सभी इसको चावल के बीजों को उससे अलग कर रहे, चावल को पौधों से अलग करते हुए कृषक। तो इस प्रकार से मानव श्रम जो है इसके अंदर प्रधान घटक है। ये विश्व का मानचित्र है, इसको आप ध्यान से देखें तो एशिया में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, फिर इसके बाद आ जाता है थाईलैंड, थाईलैंड के साथ ही दक्षिण के अंदर मलेशिया, मलेशिया के दक्षिण के अंदर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के जो द्वीप हैं जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, कालीमंतन उसमें, और दक्षिण पूर्वी एशिया के जो वियतनाम, लाओस, कंपोचिया ये जो देश है इनमें, और चीन का जो उत्तरी भाग है जिसमें विशेष रूप से हांगो और सिक्यांग नदी का मैदान है वहाँ पर, इसके साथ ही फिलीपाइंस में और जापान में, उत्तरी दक्षिणी कोरिया में, कुछ मात्रा में रूस का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी पूर्वी भाग, वहाँ पर चावल की कृषि होती है। तो ये तो जिसको हम कह सकते हैं कि मानसूनी एशिया का वह भाग है जो चावल की प्राचीन कृषि करता है। इसके अलावा आप थोड़ा सा देख सकते हैं यूरोप का जो दक्षिण या भूमध्य सागरीय भाग है उसके तटवर्ती भागों पर स्पेन, पुर्तगाल, इटली और फ्रांस के अंदर कुछ मात्रा में चावल का उत्पादन होता है। इसी तरह से अफ्रीका का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है जो नाइजीरिया से लगाकर इसमें तटवर्ती भागों पर और नदी घाटियों के अंदर चावल का उत्पादन लिया जाता है। यहाँ पर मेडागास्कर द्वीप समूह है, इसमें भी चावल का उत्पादन दिखाया गया है। और दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है उसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर बता रखा है। ये प्रति हेक्टेयर किलोग्राम जो है वो चावल का उत्पादन है। तो जहाँ पर बहुत डार्क है वहाँ पे 1600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, और क्रमशः उससे कम हल्के जैसे 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 रंग का हरे रंग का जो स्वरूप है वो कम होता जाता है, वैसे वैसे चावल का उत्पादन कम होता है। इसी तरह से दक्षिणी अमेरिका में आप देखें कि अर्जेंटीना के उत्तर का जो भाग है, तटवर्ती भाग, वहाँ पर चावल है, और उत्तर के अंदर चिली, वेनेजुएला, कोलंबिया और मध्य अमेरिकी देश, वेनेजुएला और वेस्ट इंडीज में चावल का उत्पादन होता है। इसी तरह से टेक्सास राज्य में दक्षिण के अंदर चावल का उत्पादन लिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये कि चावल विश्व में कई भागों में होता है जहाँ पर जल की उपलब्धता है, फिर भी यह बहुत आवश्यक है कि हमें ये समझ लें कि दक्षिण पूर्वी एशिया जो उष्ण और तर जलवायु से संबंधित है वहाँ पर चावल का उत्पादन, जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और समुद्र के तटवर्ती भागों पर, साथ ही डेल्टाई क्षेत्रों में और नदी घाटियों के, नदी के ऐसे क्षेत्र जो बाढ़ ग्रस्त रहते हैं वहाँ पर प्राकृतिक रूप से चावल को बहुत अधिक कृषि की जाती है, और ये परंपरागत सघन चावल की कृषि है जो जीवन निर्वाह स्वरूप रखती है। ये टॉप 10 राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, 10 प्रमुख चावल उत्पादक देश है। उसके अंदर देखिए आप, इसमें सबसे पहला स्थान चाइना का है, दूसरा इंडिया का है, तीसरा इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया जो इसमें लाल रंग से बता रखा है, आप देखें दक्षिण के अंदर जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, कालीमंतन और न्यू गिनी द्वीप है, इसमें ये
इंडोनेशिया है। उसके बाद चौथा स्थान है बांग्लादेश का, फिर है वियतनाम, थाईलैंड, थाईलैंड जो है म्यांमार के दक्षिण के अंदर है, फिर है म्यांमार, फिलीपाइंस, ब्राज़ील और पाकिस्तान। पाकिस्तान को इसमें पीले रंग से दिखा रखा है और नवा स्थान ब्राज़ील का है। तो ये इस प्रकार से दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया में जो चावल के प्रमुख उत्पादक देश है उनका स्वरूप यहाँ पर दिखाया गया है। ये 1918 की एक टेबल है, आप चाहें तो ये आंकड़े नोट कर सकते हैं। ये टन्स के अंदर है, प्रोडक्शन इन टन्स, तो इसमें से अगर अपन पीछे के 3 डिजिट हटा दें तो ये 1000 टन हो जाएंगे, और अगर 6 डिजिट हटा दें तो ये मिलियन टन हो जाएंगे। तो जैसे चाइना का जो उत्पादन है 212.1 मिलियन टन, इसी तरह से भारत का उत्पादन है 172.5 मिलियन टन, इंडोनेशिया का उत्पादन है 83 मिलियन टन, और बांग्लादेश का उत्पादन है 56 मिलियन टन, वियतनाम का उत्पादन 44 मिलियन टन, थाईलैंड का उत्पादन 32 मिलियन टन, म्यांमार का उत्पादन है 25.4 मिलियन टन, फिलीपाइंस का है 19.06 मिलियन टन, ब्राज़ील का है 11.74 मिलियन टन और अंतिम पाकिस्तान का है 10.80 मिलियन टन। इस प्रकार से यदि हम देखें तो चाइना जो है अकेला पूरे विश्व का लगभग आधा चावल का उत्पादन कर रहा है, और भारत और चाइना के बीच में लगभग 40 मिलियन टन उत्पादन का अंतर है। और इस प्रकार से चाइना, इंडिया और इंडोनेशिया और बांग्लादेश ये मिला के विश्व का 75% चावल का उत्पादन करते हैं। दक्षिणी एशिया के, दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील का एक महत्वपूर्ण स्थान है जो यहाँ पर 11.7 मिलियन टन का चावल का उत्पादन करता है। इस प्रकार से वे क्षेत्र जो विश्व के सघनतम जनसंख्या देश हैं वहीं पर चावल का उत्पादन हो रहा है। इसका अगला पार्ट हम अगले टर्न पर देख पाएंगे।